सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पुणे और हैदराबाद से देश भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई वहां से जारी है। वैक्सीन कंपनी से चलकर आप तक ये कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने अहमदाबाद से भेजी। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स से वैक्सीन की खेप रीजनल सेंटर्स तक पहुँच रही है, जहाँ से ये वैक्सीन पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स और फिर CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचकर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वैक्सीन लास्ट बेनिफिशियरी तक जब पहुंचाई जाती है तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाए, कैसे एक रिस्पेक्टिव जो उसका टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करते हुए उसे बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए बहुत अलग प्रकार की पूरी व्यवस्था की हुई है। हम यहाँ पे रीजनल वैक्सीन सेंटर में हैं। ये एक काफ़ी एडवांस इक्विप्ड फैसिलिटी है जहाँ पे डीप फ्रीजर्स हैं, ये ILR हैं बाकायदा, ये आप देख सकते हैं वॉक इन कूलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में मेंटेन करते हुए वैक्सीन रखी जाती है। लेकिन चैलेंज ये है कि इसे जब डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाना है, PHC तक पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो डीप फ्रीजर्स हैं इनमें आइस बनती रहती है और जब डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है तो ये जो आप देख सकते हैं कोल्ड बॉक्सेस हैं इसमें बाकायदा इसे भर करके तैयार किया जाता है। ये आइस पैड रखे जाते हैं और यहाँ जो वॉक इन कूलर में वैक्सीन रखी हुई है ये अगर आप देखें वैक्सीन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई जा रही है, यहाँ आप देखिए ये इस तरह से वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं कोविड वैक्सीन के उनको यहाँ पे ला करके इसमें रखा जाता है। बकायदा उसे इस तरह अरेंज किया जाता है कि अगर 1.5-2 घंटे जैसे मान लीजिए सुरेंद्र नगर यहाँ अहमदाबाद से जाती है वैक्सीन तो मिनिमम 2 घंटे लग जाते हैं, तो इस तरह से ये वैक्सीन इसमें रखी जाती है। आप देख सकते हैं ये आइस पैड वगैरह जो हैं वो यहाँ पे उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वैक्सीन अगर 2 घंटे ट्रैवल भी करे इन कोल्ड बॉक्सेस में तो कोई भी तकलीफ ना हो। ये कोल्ड बॉक्सेस आप देखिए अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया जाता है, इसको बकायदा अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में जाती है और वहाँ पर भी इसी तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। हम आपको इस रीजनल वैक्सीन सेंटर में हमने दिखाया किस तरह से मेंटेन किया हुआ है प्रोसेस को। हम आगे आपको अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ले जाएंगे जहाँ पे बताएंगे कि वैक्सीन वहाँ पहुँच करके वहाँ कैसे इसे मेंटेन किया जाता है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पहुँचने से पहले तक। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर दिखाते हैं वहाँ पर वैक्सीन को कैसे स्टोर किया जा रहा है। रीजनल वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन जो है वो जिला मुख्यालयों में सप्लाई की जाती है, जैसे अहमदाबाद रीजनल वैक्सीन सेंटर जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई वहाँ से वैक्सीन अहमदाबाद रूरल, सुरेंद्र नगर, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज में भेजी जाती है। वैक्सीन अब अपने अपने जो जिला मुख्यालय वहाँ पहुँच चुकी है। हम अहमदाबाद रूरल के डिस्ट्रिक्ट का जो ये वैक्सीन सेंटर है उसमें मौजूद हैं जहाँ पे कोल्ड बॉक्सेस के ज़रिए वैक्सीन यहाँ पहुँचाई गई है और यहाँ भी अगर आप देखें जिला मुख्यालयों में भी ये कोल्ड बॉक्सेस तैयार रहते हैं जहाँ पे वैक्सीन जो है वो PHCs में पहुँचाई जाती है या रिस्पेक्टिव CHCs में पहुँचाई जाती है। और यहाँ भी आप देखिए इस ILR में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इसे कहा जाता है जिसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया है और यहाँ ये वैक्सीन जो है आप देखिए स्टोर करके रखी हुई है। अहमदाबाद जिले के लिए अहमदाबाद रूरल एरिया जो इसमें पड़ता है उसके लिए करीब 8,000 डोजेस जो हैं वो भेजे गए हैं। अलग अलग जिलों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डोजेस भेजे जाते हैं और यहाँ इन आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स में इसे स्टोर करके रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत खास प्रकार की चौकसी रखी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। ये इवन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ये जो डेटा लॉगर्स यहाँ लगे हुए हैं इसके थ्रू भी मेंटेन किया जाता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अगर ज़रा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो जो मॉनिटरिंग सेंटर है उसमें सूचना जाती है और तुरंत इंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कोल्ड चेन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अलग अलग तरीके से उस पर सर्विलांस भी रखी जाती है ताकि जो वैक्सीन है वो जब एंड यूज़र तक पहुँचे, जब बेनिफिशरी तक पहुँचे तब उसको जिस तरह की कंडीशन में रखा जाना है, जिस तरह से उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखते हुए बेनिफिशरी तक पहुंचाना है वो वहां पे पहुंचे। और मैं आपको बता दूं यहां डिस्ट्रिक्ट सेंटर से अब ये वैक्सीन जब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तब ये रिस्पेक्टिव PHCs में भेजी जाएगी और वहां PHC में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। हम यहाँ से आगे चल करके आपको अहमदाबाद रूरल के एक PHC का भी हाल दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं।
डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक ले जाया जाता है और वहां भी वैक्सीन को रखने के लिए टेम्परेचर से लेकर हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स से ये वैक्सीन कोल्ड बॉक्सेस में पहुंचाई जाती हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहां किस तरह से कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, क्या स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वहां पे, क्योंकि यहीं से लास्ट बेनिफिशियरी को ये वैक्सीन पहुंचती हैं। हम यहां से डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित जैतलपुर का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पहुंचे हैं। उसके कोल्ड चेन रूम में भी आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारी अच्छी तरह से की हुई है, क्योंकि वैसे भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये काफ़ी रूटीन प्रोग्राम है। यहां पे भी ILR रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसमें ये वैक्सीन रखी जाएगी। डेटा लॉगर्स वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं ताकि सेंट्रलाइज जो मॉनिटरिंग चल रही है टेम्परेचर चेन की वो मेंटेन होता है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोल्ड बॉक्सेस भी मौजूद हैं। इन्हीं कोल्ड बॉक्सेस में अगर आगे भी वैक्सीन भेजनी है, कहीं 20-25 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव है यहाँ से जो इसको ये PHC केटर करता है, और ये वैक्सीन कैरियर्स भी हैं, अगर यहाँ से फिर नज़दीक में जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है इन कैरियर्स में जाती है। और मैं आपको बताऊँ ये डीप फ्रीजर भी हैं जिसमें 43 डिग्री का टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखा जाता है। बेसिकली ये आइस क्रिएटर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइस वगैरह इन आइस पैड में रखी जाती है और ये 43 डिग्री पे मेंटेन किए जाते हैं। और इन्हीं आइस पैड्स को इसमें आप देख सकते हैं ये जो कैरियर है इसमें रखा जाता है, ये वैक्सीन कैरियर है, यहाँ पे ऊपर भी पड़े हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये आइस पैड जिस तरह से लगा करके ये वैक्सीन जो है इसमें रख करके ट्रांसपोर्ट की जाती है, नज़दीक में जो वॉलंटियर्स हैं वो इसे लेकर के जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसे खोला ना जाए तो 24 घंटे तक टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच का मेंटेन किया जा सकता है, और अगर इसे एक दो बार खोला भी जाए तो 12 घंटे तक तो टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। और यहाँ रिक्वायरमेंट 3-4 घंटे से ज़्यादा तक की नहीं होगी, क्योंकि कुछ जो बेनिफिशरीज हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ही आकर के वैक्सीन लगवाएंगे, और यहाँ से वैक्सीन रूम तक भी अगर जाना है तो ये जो वैक्सीन कैरियर्स हैं इसमें ही रख करके वैक्सीन उन तक पहुँचाई जाती है। और इसीलिए जो कोल्ड चेन है वो लास्ट जो एंड यूज़र है, जो बेनिफिशियरी है जिस तक वैक्सीन पहुंचनी है, 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करके उस तक पहुंचाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सिस्टम है गुजरात का खास तौर पे जिस तरह से ये मेंटेन किया हुआ है इसको नेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लास्ट ईयर बेस्ट कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए गुजरात सरकार को अवार्ड भी मिला है, और यही पूरा जो प्रोसेस है इसकी कई बार रिहर्सल भी की गई है, पूरी तरह तैयार है अब पूरा सिस्टम। और 16 तारीख को इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो एंड यूजर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी पूरे स्टेट के साथ साथ।